नमस्कार दोस्तों, मैं आज वही कल वाला जो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। कल जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स बताए थे, तो आज फिर मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये एक आज वाली जो एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल हैं, थोड़ी सी ये एग्ज़ाम में आती हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली ये आती हैं, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये पहली एग्जांपल लेते हैं, 5 1/6 प्लस 3 1/4 माइनस 7 1/2 प्लस 4 2/3। तो इसको कैसे सिंपलीफाई करना है, सबसे पहले बिना फ्रैक्शन के जो हैं वो डिजिट ले लेने हैं। तो बिना फ्रैक्शन के डिजिट कौन से हो गए, जैसे 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 4 प्लस और फ्रैक्शन वाले 1/6 1/4 1/2 2/3। तो इनको हल करिए, 5 3 8 4 12 12 में से 7 निकाले 5, ये आ गया 5 प्लस। इसको सिंपलीफाई करिए, इसका एलसीएम निकालना है, 6 4 2 3। इसमें जैसे मैंने एलसीएम वाले वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी फिगर को लेना है, वो उसका एलसीएम होगा सब्जेक्ट टू, अगर ये सभी उसको डिवाइड करे, 2 करता है 3 करता है और 4 नहीं करता है, तो क्या करना है हमें, इसको वैसा एक डिजिट बनाना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 12। तो 12 एलसीएम लिखिए, 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 4 3 जा 3 1 जा 3 2 6 जा ये माइनस है 2 6 जा 12 6 1 जा 6 3 4 जा 12 4 2 जा 8। ठीक है जी, इसको 5 प्लस वालों को 2 और 3 5 5 और 8 13 13 में से 6 निकाला 7 7 बाई 12। तो इसको हम जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 7 बाई 12, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ये हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 3 4 बाई 5 प्लस 2 1 बाई 6 प्लस 4 3 बाई 5 माइनस 7 5 बाई 6। वैसे ही करना है जैसे ये किया, पहले बिना फ्रैक्शन वालों को ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7 और फिर फ्रैक्शन वाले 4 बाई 5 1 बाई 6 3 बाई 5 माइनस 5 बाई 6। तो इनको प्लस करिए, 3 2 5 4 9 9 में से 7 निकाले 2 प्लस, इनका एलसीएम निकालिए, इसमें बड़ी फिगर जो है डिजिट है 6 है और ये इसको डिवाइड नहीं करते, तो 6 को हम क्या बनाएंगे, इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 से डिवाइड होगा वो होगा 5 से, 6 5 30। तो 30 इसका एलसीएम आ गया, इसको सिंपलीफाई करिए, 5 6 जा 30 6 4 जा 24 6 5 जा 30 5 1 जा 5 5 6 जा 30 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30 5 5 जा 25। तो इसका क्या आ गया, 2 प्लस, इसको सिंपलीफाई करिए, 24 और 5 कितना हो गया 29 29 और 18 कितना हो गया 29 और 8 37 47 47 में से 25 माइनस कीजिए 22, ये आ गया 22 बाई 30। इसको और सिंपलीफाई करिए, 11 2 जा ये हमारा आ गया 2 प्लस 11 बाई 15। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जैसे ये किया वैसे इसका आंसर आ गया 2 11 बाई 15। सो सिंपल। इसी एग्जांपल लेते हैं, 1 2 0 0 माइनस 5 13 बाई 4 प्लस 25। तो इसको कैसे हल करते हैं, 1 2 0 0 माइनस 5, इसको वैसे ही तोड़ना है, ये फ्रैक्शन वाली को हम अलग लिखेंगे पहले बिना फ्रैक्शन के, 25 और ये माइनस 13 बाई 4। तो इसको सिंपलीफाई के लिए 1225 के 1225 में से 5 निकालेंगे तो हो गया 1220 माइनस 13 बाई 4।
तो इसको न्यूमरेटर इसमें क्या है, बड़ा है, तो इसको न्यूमरेटर छोटा करने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। इसको क्या करेंगे, 1220 को हम लिखेंगे 1216 प्लस 4 माइनस 13/4 और 1216 इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 4 4 16 16 में 30 निकाला 3 3/16 ठीक है जी, 3 3/16 हो गया, 3/16 सॉरी 3/4, तो ये हमारा 3/4 आएगा। तो इसको वैसे ही जैसे ही इसमें किया हमने, ये क्या हो गया 1216 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने ये देखा, मैंने ये सिंपलीफिकेशन के 3 एग्जांपल आपको बताई, टिपिकल एग्जांपल थी ये, कल बताई थी जो उससे थोड़ी सी टफ है, तो मुझे आशा है ये आपको सिंपलीफिकेशन वाले ट्रिक्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। तो मुझे आशा है ये आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।